क्या हुआ तुम्हें? कोई मसला है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। देख रही हूँ इतनी देर से तुम्हें, एक ही जगह खड़ी हुई हो। यहाँ मेरे पास आओ। क्यों मुंह बनाया हुआ है तुमने? अम्मी के साथ होटल भी नहीं गई? मेरे साथ घर पे रह के बोर हो गई होगी तुम। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ मेलक, कि तुमने उसमें ऐसी क्या बात देखी जिसकी वजह से तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? वैसे ये रिवाज है कि उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए। क्या करना है इस रिवाज का? क्या मतलब, ये जरूरी होता है मेलक? खानदानी रजामंदी लाजिम है इस मामले में, समझी? खाला, क्या जरूरत है लोगों को दावत देने की जब हम लोग राजी हैं? अभी तो दमीर को भी नहीं पता, उसे भी तो मनाना पड़ेगा। तुम जानती हो ना मेलक, ये कितना नाराज होगा वो। उसकी मर्जी तो बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि जल्दी ना की जाए, और दमीर के फैसले के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनके फैसले से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर दमीर भाई की रजामंदी ना हुई तो भी शादी करूंगी मैं उससे। अपना फैसला अपने पास रखो मेलक, मैं राजी हूँ तो उसे भी मनाना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं मना लूंगी उसे। कोई बात हुई है तुम्हारी उससे? आसी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि दो मोहब्बत करने वालों को मिलवाना चाहिए या नहीं? मुझसे पूछो अगर तो हाँ। तो दमीर भाई को तुम क्यों नहीं मना लेती? मुझे पता है कि वो तुम्हारी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है। फिर भी कोशिश तो करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। ठीक है। मैं आपको सुबह से तलाश कर रहा हूँ, आप कहाँ थी? मैं एक जरूरी काम से गई थी अरसलान, लेकिन मेरा वो काम हो नहीं सका। कुछ वक्त चाहिए मुझे, बात करनी जरूरी आपसे। तुम्हारी तो हर बात ही जरूरी होती है। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आशी, तुम्हारी बात खत्म हो गई? मैं तो बस जा ही रही थी अरसलान। खुदा हाफिज खाला। अपना ख्याल रखना आशी। ऐसा करो मेहलक, तुम भी जाओ यहाँ से। ऐसी क्या बात है जो मुझे भी बाहर भेज रहे हो? मेहलक। अच्छा ठीक है ना, जा रही हूँ। क्वालिटी तो अच्छी मालूम होती है, ये तो मैं जरूर लूंगी। बात सुनो बेटा, इसके अलावा और भी कुछ चीजें न्यूबॉर्न की? जी, हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी की और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है। निर्माण, ये देखो कितना अच्छा है। हाँ, कितना क्यूट लग रहा है। ये देखो एहसान, ये जूते कितने प्यारे हैं। याद है इस तरह के एक दफा हमने गोंगा के लिए भी लिए थे? इतनी वैरायटी आ गई है कि खरीदारी मुश्किल हो गई है। मैं तो तसव्वुर में उन्हें पहना हुआ देख रही हूँ। मुझे लगता है आपको छोटे बच्चों से बहुत प्यार है। अब तो इतनी आसानी हो गई है कि हर चीज मिल जाती है। तुम तो जानती हो मैं तो हर चीज तुम्हारी मर्जी से खरीदता था। हाँ, याद है वो कैरी कॉट भी लेना है, भूलना चाहिएगा। जो हुक्म सरकार, आपकी हर फरमाइश पूरी होगी। मैंने अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया, मगर अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, जीरो। मुझे क्या पता वो पैसे तुमने कहाँ खर्च किए, मैंने तो तुम्हारा खर्चा दे दिया। मुझे जो मिलता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, गुजारा नहीं होता मेरे इन पैसों में। और आइंदा आप मेरे पैसे अकाउंट में नहीं डलवाएंगी। जो कुछ भी आपने देना होगा वो मेरे हाथ में देंगी आप मुझे। अरसलान, देखो जो खर्चा तुम्हें मिलता है वो काफी है। नहीं। क्यों, तुम्हें ऐसी क्या मुश्किल है? इस पे मुश्किल की क्या बात है, क्या मेरा जेब खर्च नहीं बढ़ सकता? देखो अरसलान, मैं भी यहीं पर हूँ, पैसे चाहिए हो मुझसे तो ले लेना तुम। तो मैं क्या मांगता रहूंगा? अगर आपने मुझे नहीं देना तो साफ मना कर दे। मेरा ख्याल है तुम्हें जो पैसे मिलते थे उस पर खुश थे तुम, और उनमें तुम्हारा गुजारा भी हो जाता था, तो ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? वो मैं आपको नहीं बता सकता। बस आप इतना कर लें जितना मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती अभी। क्यों, क्या मेरा हक नहीं है पैसों पे? देखो, करीम और दमीर ने काफी रकम बिजनेस में लगाई है, उनसे कुछ कहना तो बेकार है, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है। बिजनेस में रकम लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि दमीर और करीम से बात करके कह दूं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि टेलीफोन पर बात करके उनसे पूछ लें? ये फोन पर करने की बातें होती है तो इसमें हर्ष क्या है?
तुम हर काम में जल्दबाजी मत किया करो। हर मामला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हल नहीं हो सकता। कह रही हूँ ना, उनसे बात करूंगी और बेहतर होगा कि तुम अपने खर्चे कम कर दो अरसलान। तुम्हारा ही फायदा है, इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें। देखो कितनी गैर जिम्मेदार है, हमारे पास सब चीजें छोड़ के चली गई। वैसे आजकल इस उम्र की लड़कियां ही गैर जिम्मेदार, एहसान किसी और की क्या बात करें। अब अपनी बेटी को ही देख लो, यानी मुझे याद है कि अपने वक्त में हमने अपने बच्चों की सारी शॉपिंग खुद ही की थी, किसी की मदद ही नहीं थी। छोड़ो निर्माण, रहने दो। क्यों ना दो ऐसा, कुछ गलत थोड़ी का है। तुम तो जानते हो अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो नरीमान कभी पीछे नहीं हटी। वैसे भी आजकल की लड़कियों में नरीमान जैसी लड़की का अक्स कहाँ। लड़की ये भी सच कहा। एक बात बताऊं, आज तुम अब भी लड़की ही लगती हो मुझे। यहीं रुकना है या चले कहीं और? हाँ तो मैंने तुम्हें कहाँ रुका हुआ है, तुम अपनी खुशी से यहाँ रुके थे। वैसे क्या ख्याल है, कुछ और शॉपिंग करनी है, घर चलना है? मेरा ख्याल है आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। चलो चल के बच्चियों को दिखाएंगे। चलो, खड़ी क्यों हो? ऐसा शॉपिंग ऐसे ही होती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ भाई, ठीक ही कहते हो। मरहबा रमीज, कैसे हो? क्यों भाई, पूरी मार्केट खरीद ली? भाई बेगम साथ हो तो खरीदारी ऐसी ही होती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या कह रहे हैं रमीज साहब? बिल्कुल, और आप भी अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या तुमने उन्हें सुना था ऐसा? हमसे बात करने से पहले फोन पे किसी बुजुर्ग ने बात कर रहा था। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। थकावट भी कुछ सुझाई नहीं देता। बड़ी जल्दी ठीक हो गए तुम। जाया कर दिया मौका तुमने। हालांकि उसे जेल भी भिजवा सकते थे। बस तुम हमेशा बुरा ही सोचते रहना ज़ाफ़िर। ज्यादा दुश्मनी अच्छी नहीं होती। मर्जी है, जो चाहो। खैर, काम की बात करो। वही जो हम साथ काम करने का सोच रहे थे, ये उसका हिस्सा है। हाँ, बहुत अच्छे, मजा आया इस तरह काम करके। देखते रहो अब तुम। मैं दमीर के साथ करता क्या, जानता हूँ अपना पैसा कैसे निकालना है। ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या करते हो। उसके साथी की तो खबर सुनाओ। करीम का पूछ रहा हूँ, कर रहा है वो कुछ? वो तो बहुत आराम से बैठा हुआ है, खाने पीने के अलावा शायद कोई काम ही नहीं बचा उसके पास। यानी आजकल अकेला होटल चला रहा है वो। इसका मतलब फारिग है बिल्कुल, बच्चा है वो, अभी जानता नहीं मेरे दिमाग को। हाँ क्या है, कौन पता किया? तो दमीर दोगान है ये। हाँ देख लूंगा मैं। अच्छा अच्छा, बस बंद करो अब। दमीर का फोन आया था, क्या बात हुई? हर बात नहीं सुना करते, अपने काम से काम रखो। मुझे जो बात बतानी होगी बता दूंगा तुम्हें। पहले दिन के लिहाज से तो काफी अच्छा काम हो गया। हाँ काफी थक गई हूँ मैं, अब तो घर जाकर ही आराम करूंगी। मैं शर्मिंदा हूँ, खुद गर्ज हो गया था, माफ कर दो। इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मैं तुम्हारे अलावा इस घर को नहीं चला सकता कोई और। तुम्हारे एक दिन घर पे ना होने की वजह से घर का क्या हाल हो गया?